अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है उतना ही बड़ा कवि बन जाता है। तुलसीदास को उनकी पत्नी ने मारा, वो महाकवि बन गए। कालिदास को उनकी पत्नी ने पीटा, वो महाकवि बने। बहुत जल्दी मैं भी महाकवि बनने वाला हूँ। और मैं पत्नी पीड़ित हूँ ये बात मैं छुपाता भी नहीं, मेरा हेयर स्टाइल ही चीख चीख के बता देता है। अच्छा मैं सच कह रहा हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि कवि लोग झूठ मूठ महिलाओं को बदनाम करते हैं। मैं घरवाली के पास गया, मैंने कहा 500 रुपया दे, चश्मा बनवाना है, दूर की नज़र कमजोर हो गई। वो बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं। मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना है, मैं रात को प्रोग्राम से आता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा। मेरा कान पकड़ के टेरेस पे लेके गई, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद है। बोली और कितना दूर देखेगा? मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने कपड़े खुद धोता था, एक दोस्त आता था तो डांटता था, तू कवि आदमी है, कुर्ता पायजामा खुद धोता, अच्छा नहीं लगता, शादी कर ले। मैं उसकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली। 6 महीने के बाद वो फिर आया, मैं कपड़ा धो रहा था, वो बोला शादी के बाद भी कुर्ता पायजामा खुद ही धो रहा है? मैंने कहा आँख खोल के देख, साड़ी ब्लाउज है। एक शेर की थी शादी, एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था, खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, देख सभी चौंके ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला आज मैं हूँ शादी शुदा, शादी के पहले तो यारों मैं भी बब्बर शेर था। तो शादी के बाद सारे शेर चूहे बन जाते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ आप सुनो, कि करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए, और बड़ा भारी व्रत है ये, सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। नई चीजें इस दिन यूज करती हैं सभी, नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए। मैंने कहा बस करो इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए नया पति चाहिए। पत्नी से हुई लड़ाई, पिट गए महेश भाई, बोले अब मुझे जीना नहीं मर जाना है। फांसी का फंदा बनाए, जल्दी से स्टूल लाए, बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है। पत्नी ने आके धर लिए दोनों चरण, तो बोले अब व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है। पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना। तो शादी के पहले और शादी के बाद तो हालत एकदम अलग अलग हो जाती है यार। हम तो ऑडियंस को हमेशा समझाते हैं प्यार करके शादी वादी के लफड़े में पड़ो मत। मैं लोगों को समझाता हूँ, यंग ऑडियंस को खास तौर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इनकार तौबा तौबा, इकरार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा, इकरार तौबा तौबा, इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्र पर दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। हम तो थे कड़के भाई, हम तो थे कड़के भाई, उसको शर्म ना आई, मेरे लखपति थे अंकल, उनसे की आशनाई। आजकल वो दोनों है फरार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। और प्यार करने का सबसे बड़ा खतरा क्या है वो बताता हूँ। दिखने में खूबसूरत, दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत।
दिखने में खूबसूरत असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है धोने की है जरूरत, मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा रे आजकल की लड़कियों से प्यार, तौबा तौबा। हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है यार कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है, और भ्रष्टाचार करते हैं नेता, ऐसे ऐसे नेता हैं, कसम से बता रहा हूँ। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे चिल्ला चिल्ला के, बोल रहे थे हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है, इतने देर में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। भ्रष्टाचार इस देश की जड़ों में पहुंच गया है, जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घूम रहा था सड़क पर पॉकेट मेरा मार लिया, घूम रहा था सड़क पर पॉकेट मेरा मार लिया, मुंबई शहर के एक चालू पॉकेट मारने, थाने में रपट लिखाई चोर को पकड़ लेंगे, मुझे कहा वहां उपस्थित थानेदार ने। अगले दिन वही पॉकेट मार मुझे मिल गया, खूब पीटा मुझे उस लुच्चों के सरदार ने, 300 लूटे तेरे तो क्यों लिखा है 700 रे, 700 की कमीशन मांगी है थानेदार ने। तो ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार देश में चलता रहता है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, सुनिए भ्रष्टाचार पर। गली के मोड़ पर एक नाई की दुकान, दुकान में एक अफसर विद्यमान, गली के मोड़ पर एक नाई की दुकान, दुकान में एक अफसर विद्यमान, बार बार अफसरी का रोब झाड़ रहा था, बेचारा नाई मुफ्त में उसके बाल काट रहा था। कटिंग के बाद आई शेव की बारी, नाई ने दिखाई पूरी तैयारी, धुला हुआ सुगंधित तौलिया, मधुर सुगंध ने अफसर के दिल को छू लिया, शेव बनाने का सामान देखकर अफसर हैरान था, नाई का उस्तरा भी मेड इन जापान था। शेव बनाने का सामान देखकर अफसर हैरान था, नाई का उस्तरा भी मेड इन जापान था। तब अफसर हो गया खुश जब नाई ने निकाला घोड़े की पूंछ का शानदार ब्रश, लेकिन अगली ही घटना ने अफसर का दिल शेयर मार्केट की तरह हिला दिया। नाई ने हाथ में पकड़े हुए साबुन पर थूका और उसे ब्रश से अच्छी तरह मिला दिया। अफसर चिल्लाया तेरी ये मजाल, नाई बोला साहब बारिश नहीं हो रही लिए तो पानी किधर से लाएगा। म्युनिसिपैलिटी के नल को तो आप लोगों ने गरीब की आंख के आंसू जैसा सुखा दिया, माँ कसम मेरा लड़का भी आज स्कूल में भूखा गया। अरे कुछ तो गरीब का ख्याल करो साहब, इधर आपको अपनी दाढ़ी की पड़ी है, उधर 2 महीने का बच्चा भूख से तड़प रहा है और उसकी माँ पानी की लाइन में खड़ी। अफसर ने नाई को पीटने के लिए हाथ उठाया, नाई ने हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाया, गुस्सा मत करो साहब, अरे हम लोगों की शर्म का मटका तो पैदा होते ही फूट गया, हम लोगों की शर्म का मटका तो पैदा होते ही फूट गया। अप्रैल फूल का दिन, सारी दुनिया एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाती रहती है, लेकिन सारी दुनिया एक ही दिन बनाती है, हिंदुस्तानी लोग 12 महीने एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह मेरी घरवाली ने चाय बनाई, मेरे सिरहाने लाकर पहुंचाई, जब हम जागे तो भक्तिभाव से हमारे चरण छुए, हम आश्चर्यचकित हुए, हमने कहा आज सूर्य किस ओर से उगा है कि मेरे देखने में कोई भूल है, वो बोली सैया जी आज अप्रैल फूल है। मैं तो आपको डेमो दिखा रही हूँ, आपको क्या कर्तव्य है वो सिखा रही हूँ, कल से आपको भी पति परमेश्वर का छोड़ देना होगा चोगा, कल से यही सब कुछ आपको भी करना होगा। तो अप्रैल फूल को हमारे मोहल्ले में क्या घटना हुई आपको एक कविता सुनाता हूँ, मजा लेना। कि मेरे मोहल्ले का एक वैवाहिक कार्यक्रम अप्रैल फूल की भेंट चढ़ गया, मेरे मोहल्ले का एक वैवाहिक कार्यक्रम अप्रैल फूल की भेंट चढ़ गया, मैं 1 अप्रैल को ही शादी करूंगा, दूल्हा इस बात पे अड़ गया। मैं घोड़े के बजाय गधे पर बैठकर जाऊंगा,
और दुल्हन के बदले उसकी दादी ब्याह कर लाऊंगा। मोहल्ले वालों ने समझाया, ऐसा करके तो मूर्ख कहलाएगा। दूल्हा बोला, तभी तो असली मजा आएगा। शादी करने वाला वैसे भी कौन सा समझदार होता है, पहले दौड़ के शादी करता है, बाद में जिंदगी भर रोता है। हमारी दादी पत्नी शोहदों की छेड़खानी से सुरक्षित रहेगी, ये ट्रेन की वो बर्थ होगी जो सिर्फ हमारे लिए आरक्षित रहेगी। लेकिन दूल्हे का बाप अड़ गया, दूल्हे से लड़ गया, बोला वही गलती मत दोहराओ जो मैंने की थी। आज सुन लो मेरी दर्द भरी कहानी, मैंने भी दुल्हन छोड़ के पसंद कर ली थी उसकी नानी। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं और बराती बैंड बाजों वालों के साथ दरवाजे पर नाचने के लिए खड़े हैं। दुल्हन की ओर भी दादी और पोती का हाल खराब है, एक नई धार का माल तो एक पुरानी शराब है। दोनों के दिल धकधका रहे हैं, दोनों सोच रही हैं पता नहीं किसके अच्छे दिन आ रहे हैं। पर हमको तो इतना सोच कर बेहद खुशी हुई कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो इस अपने हिंदुस्तान में हर कोई हर किसी को हर तरह से बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ बनाने का एक और काम जो चलता रहता है वो आपको सुनाता हूँ, एक गीत के रूप में लेना। कि बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन झांसा राम हो गया। बैठे बैठे ये तो बदनाम हो गया, बुढ़ापे में मन झांसा राम हो गया। नयनों में प्रभुता की चर्बी चढ़ी, फिर से उबालने लगे बासी कढ़ी। हनुमान चालीसा भी उल्टी पढ़ी, जब छेड़खानियां ये हद से बढ़ी। कृष्ण जन्म स्थान ही मुकाम हो गया, बुढ़ापे में मन झांसा राम हो गया। Thank you so much.